सो हेलो वाईटी फैमिली, दिस इज़ माई मदर्स न्यू चैनल। सो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। तो आज हम आपको करेले की रेसिपी सिखा रहे हैं। पहले आपको करेले का छिलका उतार कर उसे काट कर उसे अच्छे से बॉईल करना है छिलके के साथ ही। उसको बॉईल करने के बाद देखिए, जैसे हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, आपको इसी तरह से उसका जो बचा हुआ पानी है वो निचोड़ निचोड़ कर उसे अलग बर्तन में रखना है। इसमें थोड़ी सी मेहनत है बट टेस्ट एकदम लाजवाब है। मम्मा ने जब ये रेसिपी बना के खिलाई इतना टेस्टी था, मतलब आपको बता नहीं सकती। एंड उसके बाद आप कढ़ाई में ऑयल गरम करके रख लीजिए, उसमें जीरा डालिए और मिर्च डालकर पहले उसे अच्छी तरीके से भूनिए। मिर्च आपको पता होगी थोड़ी देर के लिए रखनी होती है, थोड़ा सा गरम उसे जब ऑयल में टाइम हो जाए तभी प्याज डाल दीजिए। ज़्यादा देर नहीं रखनी मिर्च, वरना जल जाएंगी, अच्छा टेस्ट नहीं आता। फिर प्याज को मतलब बड़े बड़े टुकड़ों में काटना, क्योंकि करेले में बड़े बड़े टुकड़ों में जो प्याज होती है ना उसका टेस्ट ऑसम होता है। तो इसे हल्का ब्राउन होने तक पका लीजिए। एंड देखिए हमारे वो जो लड्डू लड्डू से बने हुए होते, तो क्यूट लग रहे थे रखे हुए, इतने प्यारे लग रहे थे। एंड मम्मा ने थोड़ा धनिया वगैरह रख रखा है। मम्मी ने फिर मसाले नमक डालना है, नमक मिर्च हल्दी ये सभी मसाले से पड़ते हैं, और जो भी आपके पास अवेलेबल है जो आपको पसंद है घर में। आपको भी पता है आप डेली में मसाले यूज़ करते हैं, आपको गरम मसाला और मैगी मसाला भी डाल सकते हैं, ये सब टेस्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। गरम मसाला मम्मा ने बाद में डाला था एंड में, तो उसमें टेस्ट अच्छा आता है। बाकी आप देख लीजिए आपके हिसाब से नमक कम ज़्यादा, वैसे मम्मा ने अपने अकॉर्डिंग ही डाला है, ऐसा कोई मेज़रमेंट नहीं किया। जब डेली कुकिंग करते हैं तो आइडिया हो जाता है कि हमें कितना क्या रखना है। थोड़ा सा मसालों को पकाने के बाद उसमें हमें वापस से करेले वाला टेक्सचर डाल दें जो बनाया था। सच्ची में यार आप एक बार ना घर पर ट्राई ज़रूर करना, मतलब अच्छा था टेस्ट खाने में। आपने भी बनाए होंगे एब्सोल्युटली, किसी ना कभी ना कभी बनाया होगा, बट मैंने आज ही बनाया था मेरे यहाँ तो। और ना वो भरे वाले करेले होते हैं ना हमारे यहाँ, वो बनते हैं, वो भी ऑसम लगते हैं, मेरे को तो बहुत पसंद है। ये मम्मा ने ऊपर से मसाला डाला है तो ये सब ना इतना टेस्टी था सच्ची। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ना, अभी न्यू और फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा सपोर्ट दिखाना है इस चैनल को। पहली वीडियो मम्मा ने बनाई है, गरम मसाला मम्मा ने फिर ऊपर से डाला था। एंड मतलब थोड़ा सा बिलीव करके आप बना कर देखना, इसका जो कड़वापन है ना वो भी हट जाता है, मतलब सच्ची में अच्छा लगता है। मुझे करेले इतने पसंद नहीं है, मैं फिर भी ये टेस्ट बना बहुत ही अच्छा था, और इसे आप ज़रूर ट्राई करना। और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। थैंक यू।